हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको SCERT की तरफ से जो रीडिंग कैंपेन चलाया जा रहा है उसकी जो एक्टिविटी शीट है ना, जो क्लास 6 से लेकर 8 क्लास सभी स्टूडेंट्स के लिए है, उसकी 24 करवाने जा रहा हूँ। और ये 15 फरवरी 2022 की है, ठीक है। और मैं आपको ये बता दूँ कि जो बच्चे मैथ्स की एक्टिविटी शीट ये जो कर रहे हैं ना, और उन्होंने अगर मैथ की कॉपी बना रखी तो उसमें तो एक ही कॉपी पर कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट जरूर लिख देना मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, हिंदी मीडियम के लिए ऑलरेडी बना चुका हूँ और भी बहुत सारी बना दी हैं। देखिए मैं पहले आपको बता दूँ कि आपके ना टोटल ये 3 क्वेश्चन है, 1, 2 और ये 3। अभी आंसर के साथ आपको दिखाऊंगा, पहले यहाँ पर हमें कुछ नॉलेज दे रखे उससे पढ़ लेते हैं, ठीक है। बाय लुकिंग एट द कैलेंडर, कैलेंडर को आपको देखना है। यू कैन ऑब्जर्व द फॉलोइंग डिटेल्स, आप इस कैलेंडर को देख के कुछ डिटेल्स जो है ना वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखिए अ ईयर हैज 12 मंथ्स, ये कह रहा है एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। आपको पता है ना बच्चों, तो कौन कौन से मंथ होते हैं, उनके नेम क्या है, नेमली जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। उसके बाद देयर आर 365 और 366 डेज इन अ ईयर, ये कह रहा है एक साल में या तो 365 डेज होते हैं या 366 डेज होते हैं। अ लीप ईयर हैज़ 366 डेज, जो लीप ईयर होता है ना उसमें 366 डेज होते हैं। देखो आप लीप ईयर पहचानोगे कैसे, देखिए कोई भी ईयर अगर वो 4 से डिवाइड हो जाता है ना, उसके लास्ट के दो नंबर, तो आप समझ जाना वो लीप ईयर है। और लीप ईयर होगा ना तो उसमें 366 यानी कि 366 डेज होंगे, ठीक है, समझ में आ गया आपको। और ऐसा क्यों होता है, लेकिन एक्चुअल में जितने भी ईयर होते हैं ना उसमें 365 एंड 1/4 डे होते हैं, मतलब पूरे एक दिन में 24 आवर्स होते हैं ना, तो 6-6 घंटे फालतू होते हैं हर साल में। तो जब 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 जब ये चारों जुड़ जाएंगे तो 24 होगा, तो 24 यानी कि एक डे हो गया, 24 आवर का मतलब क्योंकि वन डे हो गया, तो इसलिए ना हम चौथे साल में एक दिन जोड़ देते हैं, ठीक है। इस तरीके से उसको हम लीप ईयर कहते हैं। और लीप ईयर की खास बात क्या है कि लीप ईयर में ना जो फरवरी है, ठीक है, उसमें 29 डेज होंगे, क्लियर हो गया। वैसे हर बार 28 होते हैं, ओके। तो ये बता रहा है कि सो आफ्टर 4 ईयर वी हैव 4 1/4, ठीक है, क्योंकि 1/4 1/4 1/4 1/4 4 बार हो गए ना, एलसीएम ले लो 4 आ गया, तो ऊपर 1 1 1 ही आएगा, तो कितना हो गया, 4 अपॉन 4 यानी कि 1, तो इसलिए 1 एक पूरा डे बन गया। तो 4 1/4 1/4 1/4 होने की वजह से उनको जोड़ेंगे तो एक दिन बन जाता है, मैंने अभी आपको समझा दिया। ये कह रहे आगे सुनिए क्या कह रहे, सो वी हैव एन एक्स्ट्रा डे एवरी 4th ईयर, 4 सालों बाद एक दिन हमारे पे एक्स्ट्रा हो जाता है। दिस एवरी 4th ईयर बिकम्स अ लीप ईयर, इसलिए हर चौथा साल लीप ईयर बन जाता है। और द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ लीप ईयर आर डिविजिबल बाय 4, और जितनी भी लीप ईयर होंगे ना उनकी लास्ट 2 डिजिट 4 से कट जाएगी, जैसे 2012 था, फिर 16 आया था, फिर 20 आया था 2000, है ना, तो ये सब क्या थे, लीप ईयर थे। अब आगे सुनिए, और जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर है 31 डेज। आपको पता होना चाहिए कि इन सब में जो है ना 31 डेज होते हैं, ठीक है। और जो अप्रैल है, जून है, सितंबर है, नवंबर है, उसमें 30 डेज होते हैं। फरवरी में 28 दिन होते हैं, लेकिन अगर वो लीप ईयर होगा तो 29 डेज हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ,
ठीक है, जिससे कि आपको और अच्छे से याद रहेगा कि किस में 31 होते हैं और किस में 29 या 30 या 28 डेज होते हैं। ठीक है, फटाफट देखो आप। देखिए ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जो भी ऊपर आ रहे हैं सब, ठीक है, इन सबको हम क्या बोलेंगे, जो ऊपर आ रहे हैं उनमें 31 डेज हैं। ठीक है, और जो नीचे है उनमें 30 होंगे। ठीक है, बस फरवरी को छोड़ के, क्योंकि इसमें या तो 28 होते हैं लीप ईयर, 29 हो जाते हैं। अब आगे देखिए, अगर अ वीक है 7 डेज, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, क्या क्या है वो, नेमली संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ओके, अब आ जाइए क्वेश्चन आंसर पर। चलो क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहले फाइंड टूडेज डेट इन द कैलेंडर एंड सर्कल इट। आपको आज की डेट पता लगानी है और उसको सर्कल करना है। अब इसका आंसर देखो, तो देखिए आप क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आप ना ये पूरा उतारेंगे, ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन, फिर आंसर में आपको पूरा कैलेंडर बनाना पड़ेगा फरवरी मंथ का, ठीक है, और आज जो भी डेट है उसको आपको सर्कल लगा देना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब दूसरा देखें, देखिए हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें बोला गया है कि मार्क योर फैमिली मेंबर्स बर्थडे इन द कैलेंडर, मतलब जो कैलेंडर है ना उसमें आपको अपने जो फैमिली मेंबर्स है ना उनके जो बर्थ डेट है उस पर आपको मार्क करना है। या तो आप उस पर स्क्वायर बनाइए, ठीक है, या आप ट्रायंगल बनाइए या सर्कल बनाइए, कुछ भी बनाइए और मार्क करना है आपको। ठीक है, और फिर आपको आंसर मैंने यहाँ करा हुआ है, आप एग्ज़ाम्पल के तौर पर इसे ले सकते हैं। और जैसे यहाँ पर आपको फैमिली मेंबर के नेम लिखने हैं, फिर डेट ऑफ बर्थ और शेप्स जो आपने कैलेंडर में बनाई होगी वो, ठीक है, तो कैलेंडर आपने जब ऊपर वर्कशीट नोट कर रहे होगे, आपने पूरा कैलेंडर बनाया होगा तो आप उसी पर बना दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो आप इतना तो कर लीजिए, ठीक है, वो तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग आप बना ही लेंगे, ट्राइंगल कैसा होता है, सर्कल कैसा होता है। ठीक है, हो सके तो आप कैलेंडर बना लेना। ठीक है, अब आप तीसरा क्वेश्चन देखिए, व्हेन एंड फॉर व्हाट पर्पस डू यू यूज द कैलेंडर इन योर डेली लाइफ, डिस्कस विद योर टीचर्स एंड क्लासमेट्स। ये पूछ रहे हैं कि आप जो कैलेंडर है ना उसका यूज़ कब करते हैं और किस लिए करते हैं। तो वी यूज़ कैलेंडर टू नो द हॉलीडेज, हम छुट्टियों को पता लगाने के लिए करते हैं। वी आल्सो डू दिस टू नो विच फेस्टिवल इज वैन, कौन सा फेस्टिवल कब है, हम इसलिए करते हैं। ठीक है, आप कुछ और भी लिखना चाहिए लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, और आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स। अब आप तीसरा क्वेश्चन देखिए, व्हेन एंड फॉर व्हाट पर्पस डू यू यूज द कैलेंडर इन योर डेली लाइफ, डिस्कस विद योर टीचर्स एंड क्लासमेट्स। ये पूछ रहे हैं कि आप जो कैलेंडर है ना उसका यूज़ कब करते हैं और किस लिए करते हैं। तो वी यूज़ कैलेंडर टू नो द हॉलीडेज, हम छुट्टियों को पता लगाने के लिए करते हैं। वी आल्सो डू दिस टू नो विच फेस्टिवल इज वैन, कौन सा फेस्टिवल कब है, हम इसलिए करते हैं। ठीक है, आप कुछ और भी लिखना चाहिए लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, और आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।